Name die Punam Chat. आज मैं अपने विस्तार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ. मैं जिस क्षेत्र कच्छ से आती हूँ वहां पर तीन महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, कंडला, नवलखी और मुंद्रा. उस पोर्ट से जब भी कोई बाहर से कोयला आता है तो वहां उतरता है और उन तीनों पोर्टों से ट्रेन के वैगन द्वारा वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देश के इलाकों में ले जाया जाता है. लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इतना सारा कोयला जब विदेशों से आकर इन तीनों पोर्टों पर उतरता है तो वो खुले वैगनों में ले जाया जाता है. और जब वो वैगन खुले होते हैं तो उनसे जब वो शहरों से गुजरते हैं तो उन खुले वैगन से धूल उड़ती है, कोयला उड़ता है, जो दोनों ही तरफ के जो गांव हैं उनमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है इसके कारण. और जब ये कोयला सिग्नल पर या कहीं भी ये ट्रेन रुकती है तो कुछ असामाजिक तत्व इसमें चढ़ जाते हैं और बहुत सी कोयले की चोरी भी करते हैं. इस तरह से राष्ट्र को भी बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि हर जगह जहां ट्रेन रुकती है वहां से बहुत सारा कोयला चोरी हो जाता है. और जो एग्रीकल्चर लैंड है दोनों ही तरफ, जब से जहां से ये ट्रेन गुजरती है वहां भी इसके कोयले की जो धूल है और उसके रचकण है उससे एग्रीकल्चर लैंड को भी बहुत नुकसान होता है. एयर और सॉइल पॉल्यूशन दोनों होता है. और तीसरी बहुत महत्व की बात यह है कि जब भी किसी छोटे शहर या कस्बे से ये ट्रेन गुजरती है तो जब यहां इसकी धूल उड़ती है तो वहां पर जो बसे हुए लोग हैं उनको आंखों की भी तकलीफ होती है, उन्हें आंखों में जलन होती है और बहुत सी बीमारियां वहां आंखों की पनप गई हैं. तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, रेलवे मिनिस्ट्री को यह कहना चाहती हूं कि अगर वो इस तरह से कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उनको टारपोलिन या फिर कवर्ड वैगन्स में ले जाएं. ऐसा मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूं. धन्यवाद.